नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। मोदी सरकार अपने एजेंडे में शामिल प्रमुख मुद्दों को तेजी से खत्म करती हुई दिख रही है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक पर भी कानून बना चुकी है। NIA, RTI, UPA जैसे बिल भी पहले संसदीय सत्र में पास करवा चुकी है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को भी निष्प्रभावी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों पुराने और भारतीय इतिहास के सबसे विवादित मामलों में से एक बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है, जो BJP के अनुकूल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक हलकों में हलचल है कि अब मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर क्या है। तो मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर समान नागरिक संहिता बिल लागू करना है, पूरे देश में NRC लागू करना है और नागरिकता कानून बनाना है। समान नागरिक संहिता से भी पहले सरकार NRC और नागरिकता बिल पर काम करेगी। आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार NRC और नागरिकता बिल पेश करेगी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून, नागरिक कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हों, सबके लिए एक ही कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने की बात है। मौजूदा वक्त में भारतीय संविधान के तहत कानून को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल। शादी, संपत्ति, उत्तराधिकार यानी परिवार से संबंधित व्यक्ति से जुड़े मामले के लिए कानून को सिविल कानून कहा जाता है और बाकी अपराध से जुड़े मामलों को आपराधिक। हालांकि इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। शादी और संपत्ति जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अपने अपने नियम कानून हैं। उन सभी नियमों को एक करने में कई समुदायों को नुकसान हो सकता है, कुछ को फायदा भी हो सकता है। ऐसे में सभी को बराबरी पर लाने के लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल काम है। सरकार के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने से भी ज़्यादा मुश्किल चुनौती होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक तरह से प्रशासनिक काम था जिसे सरकार ने अपने तरीके से कर दिया, लेकिन इस मामले में अलग अलग धर्मों की मान्यताएं जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार के एजेंडे पर सबसे ऊपर है ये। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेवारी बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 2 पहलू आते हैं। पहला, सभी धर्मों के बीच एक जैसा कानून। दूसरा, उन धर्मों के सभी समुदायों के बीच भी एक जैसा कानून। यह जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए संविधान के डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व में जिक्र किया गया है कि आने वाले वक्त में हम समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करेंगे। तो ये पहले से कमिटमेंट है, लेकिन किसी दल ने या किसी सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया। अब मोदी सरकार इस पर काम करना चाहती है तो कितना आसान होगा, मुश्किल होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में आज तक कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। मोदी सरकार जब कदम उठाना चाहती है तो किस हद तक कामयाब होगी, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा, हमारे जहन में भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू और मुसलमानों से भी जोड़ा जाता है, आपको पता है। एक तरफ जहां मुसलमानों की शादी और उत्तराधिकार के अलग तरह के प्रावधान हैं, वहीं हिंदू के भीतर भी कई समुदाय हैं जिसमें कई तरह के अंतर्द्वंद हैं। मुसलमानों या ईसाइयों की आपत्ति की बात होती है, लेकिन भारत में कई तरह के समुदाय, कई तरह के वर्ग, परंपराएँ हैं। लिहाजा एक तरह के सिविल लॉ को लागू करने पर किसी भी समुदाय के रस्मों रिवाज में अगर एक भी गड़बड़ी होगी तो उसको आपत्ति होगी। तो बहुत बड़ी चुनौती है मोदी सरकार की, 370 से भी बड़ी चुनौती। BJP सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्य असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC लागू कर दी है। अब इस तरह की मांग उठ रही है कि सरकार पूरे देश में NRC लागू कर सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपने राज्य में NRC लागू करने की बात कर चुके हैं। बिहार में लगातार BJP के नेता NRC लागू करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं। क्या NRC को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? इस पर कई तरह के विचार हैं लोगों के, और लोगों का कहना है कि पूरे देश में NRC लागू करने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर NRC लागू किया है, जबकि पूरे देश में इसे लागू करने से पहले वह नागरिकता बिल लाना चाहती है।
तो नागरिकता बिल आएगा, फिर एनआरसी लागू होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन पड़ोसी देशों के मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक में प्रावधान है कि गैर मुस्लिम समुदायों के लोग अगर भारत में 6 साल गुजार लेते हैं तो वे आसानी से नागरिकता हासिल कर पाएंगे। मौजूदा सरकार के अनुसार हिंदुओं के लिए भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई सबके लिए अगर ऐसा कानून है कि 6 साल रह कर नागरिकता ले सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? तो आप ये तो मान ही कर चलिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार के एजेंडे पर सबसे ऊपर है हिंदुत्व, और ऐसे में दूसरे देश के मुसलमान को भारत में 6 साल गुजार देने पर नागरिकता दे देंगे, ये सवाल ही नहीं उठता है। तो मुश्किल बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ले रही है, उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों पर इन एजेंडों पर मोदी सरकार काम करेगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी वाला वीडियो लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार।